नेहा कक्कड़ एक युवा और बेहद लोकप्रिय गायिका हैं। वे अपने फैंस के बीच इंडियन शकीरा और सेल्फी क्वीन के नाम से मशहूर हैं। वे बॉलीवुड सिंगर सोनू कक्कड़ और संगीत निर्देशक टोनी कक्कड़ की बहन हैं। नेहा कक्कड़ ने कुछ ही साल में बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया है। आज उनकी गिनती सबसे महंगी और सफल सिंगर्स में होती है। नेहा कक्कड़ एक सफल गायिका हैं जो बॉलीवुड के अलावा अपने प्राइवेट एल्बम्स में भी खासी शोहरत बटोर रही हैं। वे एक्टर और मॉडल के रूप में नजर आती हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 6 जून 1988 को जन्मी नेहा और उनके भाई बहन का बचपन संघर्ष भरा रहा, लेकिन तीनों ने अपने जुनून से संगीत की दुनिया में अपनी अलग ही जगह बनाई। नेहा को संगीत का इतना शौक था कि उन्होंने 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। नेहा को बहन सोनू कक्कड़ के गाने से प्रेरणा मिली। नेहा ने ऋषिकेश से बाया दिल्ली होकर मुंबई का सफर तय किया। 4-5 साल की उम्र में ही वो पिता के साथ दिल्ली आ गईं और फिर बॉलीवुड सिंगिंग में मुकाम बनाने के लिए मुंबई चली आईं। साल 2006 में इंडियन आइडल में पहली बार नजर आईं। नेहा कक्कड़ 2018 में इंडियन आइडल शो में ही जज बनकर आईं। नेहा ने संगीत और गायन की औपचारिक रूप से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। वे दिल से गाती हैं और अपनी प्रस्तुति अपने गायिका में इतनी जान डाल देती हैं कि ऑडियंस झूमने को मजबूर हो जाती है। नेहा अब तक हिंदी फिल्मों में कई हिट गाने गा चुकी हैं और ने बॉलीवुड को कई हिट डांसिंग नंबर्स दिए हैं। वह हिंदी के अलावा बंगाली, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। नेहा कक्कड़ के पिता का नाम जय नारायण कक्कड़ है और उनकी माँ का नाम नीति कक्कड़ है। उनका बचपन गरीबी में बिता। उनके पिता जय नारायण कक्कड़ जैसे जैसे घर का खर्च चलाया करते थे। खुद नेहा ने एक बार टेलीविजन शो के दौरान बताया था कि ऋषिकेश में उनकी बहन जिस स्कूल में पढ़ती थी उनके पापा उसी स्कूल के बाहर समोसे बेचते थे। स्कूल के बच्चे उनकी बहन सोनू कक्कड़ का इस बात के लिए काफ़ी मजाक बनाते थे। उनके पिता ने अपने बच्चे सोनू, नेहा और टोनी का भविष्य बनाने के लिए दिल्ली का रुख किया। यहाँ उनका न्यू होली पब्लिक स्कूल में दाखिला कराया। तीनों बच्चे रात में माता के जगराते में भजन गाया करते थे ताकि परिवार का खर्चा चल सके। कई बार तो जागरण के कारण रात को बहुत देर हो जाने से वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद नेहा ने सिंगिंग में अपना करियर बनाने में सपने को मरने नहीं दिया। साल 2006 में नेहा 11वीं कक्षा की छात्रा थी तब उन्होंने म्यूजिक रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल में सीजन 2 में ऑडिशन में शामिल होने का मौका मिला। वे ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई और इस तरह से उनकी पढ़ाई छूट गई। इंडियन आइडल में वह जीत नहीं पाई पर शीर्ष 8 में जगह बनाने में कामयाब रहीं। लेकिन उनकी गायकी ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद नेहा ने साल 2008 में जो जीता वही सुपरस्टार में हिस्सा लिया। इंडियन आइडल के बाद नेहा ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। उनका पहला एल्बम नेहा द रॉकस्टार 2008 में आया जिसका संगीत म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी मीत बेस ने दिया। 2014 में उन्होंने हनी सिंह के साथ सनी सनी गाना गाया। इस गाने में उन्होंने सफलता का स्वाद चखने का मौका मिला। इसी साल उन्होंने क्वीन फिल्म में एक गाना लंदन ठमकदा गाया, ये भी काफ़ी हिट हुआ। 2015 में उन्होंने एक और गाना कार में म्यूजिक बजा में सिंगिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई जिसने धमाल मचा दिया। नेहा ने बंगाली मूवी मैजिक मामोनी में सिंगिंग रोल किया। दिल वाले फिल्म में नेहा का गाना टुकुर टुकुर सुपरहिट साबित हुआ। उन्होंने लवशुदा मूवी में चिट कुक्कड़ गाना गाया। नेहा ने 2016 में फिल्मों में बार बार देखो में काला चश्मा गाना गाया जिसमें कैटरीना कैफ ने एक्टिंग की। नेहा ने बॉलीवुड फिल्म 11 में भी अभिनय भी किया है। वर्ष 2018 में नेहा ने फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी में छोटे छोटे पैग गाना गाया। यह गाना भी यूथ में काफ़ी पसंद किया गया। 2019 में नेहा कक्कड़ का गाना कोका कोला तू बहुत हिट हुआ। इसका म्यूजिक उनके भाई टोनी कक्कड़ ने ही दिया था। नेहा जीटीवी के सारे गामा लिटिल चैंप रियलिटी शो में भी जज रही हैं। नेहा साल 2008 में इंडियन आइडल 10 में जज बनकर आई। नेहा कक्कड़ अभी अविवाहित हैं। बॉलीवुड एक्टर हिमांश कोहली लंबे समय तक नेहा कक्कड़ के बॉयफ्रेंड रहे हैं।
जब नेहा ने अपनी रिलेशनशिप खत्म होने का ऐलान किया तो हिमांश को ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल किया गया। इसके बाद नेहा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बचाव में सामने आई और कहा कि दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म किया। नेहा अपने ब्रेकअप को लेकर कई बार मीडिया में भी भावुक हो चुकी हैं। नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उन्हें हिट सिंगर बनाने में यूट्यूब का बहुत योगदान है। यूट्यूब पर नेहा का गाया गाना मिले हो तुम हमको बहुत पसंद किया गया। यह गाना यूट्यूब पर सबसे अधिक पसंद किया गया हिंदी गाना है। इंस्टाग्राम पर भी नेहा के 21.8 मिलियन फॉलोवर हैं।